सब्सक्राइब करें चैनल टेक्निकल सोनी जी एंड प्रेस ऑन बेल आइकन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज सबसे पहले पाने के लिए। राजस्थान सरकार ने हाल ही में पूरे प्रदेश में पॉक्सो अदालतें खोली हैं, जिसके क्रम में झुंझुनू में भी नई पॉक्सो कोर्ट खुली है। इस कोर्ट ने अपना पहला ही निर्णय न केवल राजस्थान में सबसे तेज और ऐतिहासिक दिया है, बल्कि 3 साल की मासूम के परिवार को समय पर ही न्याय देकर एक मिसाल भी कायम कर दी है। जानकारी के मुताबिक इसी महीने की 2 तारीख को झुंझुनू के अलसीसर थाना इलाके के डाबड़ी धीर सिंह में 3 साल की मासूम अपने ननिहाल आई हुई थी। घर पर उसकी बूढ़ी नानी थी, जो पड़ोस में ही अपने देवर के घर पर छाछ लाने गई थी। आरोपी दौसा के लालसोट थाना इलाके के अलीपुर निवासी विनोद बर्तन बेचने का काम करता है, जो बर्तन बेचने के लिए पीड़िता की नानी के घर आया, लेकिन 3 साल की मासूम को अकेला देखकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और भाग गया। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया और 10 दिन में ही चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश कर दी। पॉक्सो कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और महज 19वें दिन आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुना दी है। पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश निर्जा दादिश ने इस जघन्य अपराध मानते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। वहीं इस दौरान 19 गवाहों के बयान भी पंजीबद्ध करवाए गए हैं। APP लोकेंद्र सिंह खुडानिया ने बताया कि इस तरह का पहला फैसला है जो चालान होने के 19वें दिन आ गया हो। आपको बता दें कि 2 साल पहले 2016 में भी 12 अगस्त को छीतसर की 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और इसके बाद हत्या के मामले में करीब 10 माह में कोर्ट ने मृत्यु दंड का फैसला दिया था। पॉक्सो के मामलों में अब तक यह राज्य का पहला सबसे तेज फैसला है। साथ ही अब तक इस समेत 5 मामलों में 6 जनों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई जा चुकी है। फैसले के बाद पीड़िता के पिता ने भी इसे सही फैसला बताया है। रुआ से गले और धूसते होठों से पिता ने कहा कि परिवार को इसी फैसले की उम्मीद थी, ताकि समाज के वहशियों के मन में डर हो और कानून से भी डरे। आपको यहाँ यह भी बता दें कि पीड़िता मूल रूप से चूरू जिले के बेंगू गांव की रहने वाली है। ये मलसीसर थाने का मामला है। पीड़िता अपने ननियाल में आई हुई थी अपनी माँ के साथ। पीड़िता की उम्र 3 साल है और 2/8/18 को अभियुक्त है। वो बर्तन बेचने पीड़िता के ननियाल में गया। पीड़िता की जो नानी है प्रभाती देवी, वो छाछ लाने के लिए अपने देवर के घर में गई हुई थी। पीछे से इसने मुजिम ने और उसके साथ बलात्कार किया, जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना मलसीसर में दर्ज हुई। रिपोर्ट दर्ज होने के 9 दिन में ही वरताधिकारी झुंझुनू श्रीमती ममता सारस्वत ने बड़ी तत्परता से इसमें अनुसंधान करके चार्जशीट पेश कर दी। दिनांक 13/8/18 को चार्जशीट पेश हुई। चार्जशीट पेश होने के और 19वें दिन आज माननीय न्यायाधीश श्रीमती निर्जा दादिच ने अभियुक्त को मृत्युदंड के अपराध की सजा सुनाई है। बड़ा अच्छा फैसला कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये जो 3 साल की बच्ची के साथ अभियुक्त ने इस तरह का जो जघन्य अपराध किया है, वो रियरेस्ट केस है, इसलिए अभियुक्त है, वो मृत्युदंड के दंडादेश के लिए उसको दिया जाता है। और इस तरह के मुजरिमों के खिलाफ बिल्कुल नरमी नहीं बरतनी चाहिए। कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला इसमें दिया है। राजस्थान का ये पहला केस है जिसमें चार्जशीट पेश होने के, और राजस्थान का नहीं शायद, में जहां तक मेरा है, भारत का ये पहला केस होगा जिसमें राजस्थान का तो पहला केस है जिसमें चार्जशीट पेश होने के 19वें दिन ये फैसला आया। बड़ी तत्परता से पुलिस प्रशासन ने भी इसमें कार्रवाई की है। कोर्ट ने, प्रोसिक्यूशन ने, सब ने इसमें अपनी तरफ से। मृत्युदंड का राजस्थान में शायद पहला ही मामला है ये इस तरह का, इतना जल्दी। हाँ, पहला जल्दी मामला है। वैसे शायद में ये मृत्युदंड का तीसरा या चौथा मामला है सर। बहुत कुछ नहीं था, अच्छा फैसला दिया। आपको उम्मीद थी ऐसे फैसले की? मेहनत करी है बहुत वकील साहब, और बहुत उम्मीद थी। आप खुश हो इस फैसले? हाँ जी।